पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल हुए गौ तस्कर को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंडा पांडे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार लखनऊ के नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सेंट्रो कार से 3 गौ तस्कर अभियुक्त मांस लेकर जा रहे थे। पुलिस ने अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार बदमाश जंगल की तरफ कार लेकर भागने लगे। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर अभियुक्त के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हुए गौ तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके 2 अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए। क्षेत्र जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं और ये गणेश घाट चौराहा कहलाता है, पीछे उसका ही जंगल है ये। और यहाँ एक पुलिस से मुठभेड़ हुई है। एक व्यक्ति जो सामने से एक सेंटर वाली से आ रहा था, उसे रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है और इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। मौके पर व्यक्ति इंजर्ड हुआ, उसे जब पूछा गया तो उसने अपना नाम नाजिम निवासी करूला कटघर बताया। इसके बारे में अन्य जानकारी की गई तो ये एक प्रोफेशनल अपराधी है, इससे पहले भी इस पर कई केस NDPS 302 इत्यादि में, इसके अलावा ये गोकशी के अपने धंधे में भी लिप्त रहा है। इसके बारे में पूर्व से भी सूचना मिलती रही हम लोगों को, तो हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी थी जिसमें सवार थे। मुठभेड़ के दौरान जब रोका गया है तो गाड़ी इनकी यहीं पलट गई। एक तरफ देखा गया तो गाड़ी में मांस है, जो संभवतः प्रथम दृश्य देखने से ऐसा लगता है कि गौ मांस है शायद वो। बाकी हम लोग उसे परीक्षण कराएंगे। और जो इंजर्ड है, इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जो यहाँ मौके से जंगल का लाभ उठा के फरार हो गए हैं, उनकी आसपास तलाश करवाई जा रही है और इंजर्ड को जिला अस्पताल भेजा गया है, उसका मेडिकल कैरी कराया जा रहा है। सर, इसका कोई वांछित रिकॉर्ड वगैरह कुछ है? हाँ, जैसा मैंने बताया कि पूर्व के भी मुकदमे इस पर हैं, आम सेट के मुकदमे हैं, NDPS के मुकदमे हैं, गौकशी के मुकदमे हैं, बल्कि मुंडा पांडे से पूर्व में एक हत्या के केस में भी जेल जा चुका है। और हमारा ये वर्तमान में थाना बिलारी से ये वांछित है और वहाँ से इस पर 25,000 का इनाम भी है। ये एक कांस्टेबल हमारा इस दौरान थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है, उसका भी उपचार कराया जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।